से कर्नल जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग सेशन से मसालों में भी अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग बनना शुरू हो गई है। ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी मसालों में, आगे जाके मसालों में कितना मंदी तेजी देखने को और मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक इंटरडे का सवाल है कि जीरा और धनिया के अंदर मुनाफा वसूली हो रही है, और यदि आप जीरे और धनिए को देखें तो पिछले लगभग 7-8 ट्रेडिंग सेशन ने इसने जबरदस्त एक तरफा मूवमेंट की है, तो ये एक ऊपरी स्तरों के ऊपर एक मुनाफा वसूली बनती है, और तो इसमें कोई हैरान परेशान होने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं कि जिसने निचले स्तर पर माल खरीदा है तो निश्चित रूप से वो अपना मुनाफा वसूल करना चाहेगा। इसमें जीरा हो चाहे धनिया हो चाहे टीएमसी यानी हल्दी हो, तो और जहां तक इनके फंडामेंटल्स का सवाल है, जीरा के ऊपर जैसे है हमने आपको पहले भी एक दर्शकों को बताया था, लगभग 40 से 45% गुजरात के अंदर जो जीरा का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, वहां पे जीरे की फसल इस बार 40 से 45% की रकबे में उसमें कमी है और वो कम बुआई हुई है, तो इसका इसका असर धीरे धीरे बाजारों पे देखने को मिलेगा। और जीरे ने एक तरफा तेजी भी दिखाई दी, धनिया के अंदर भी पोजीशन यही है कि पोजीशन टाइट है, लेकिन मैंने आपसे कुछ चंद सेकंड पहले यही कहा कि एक तरफा कोई भी तेजी या मंदी लंबे समय तक कांस्टेंट रूप से बरकरार नहीं रह सकती है। मुनाफा वसूली आएगी यदि लगातार तेजी हुई है, और यदि जबरदस्त गिरावट भी हुई तो भी वो बाउंस बैक करेगा, ये एक प्रक्रिया है व्यापार की। तो इसलिए उसने जिन्होंने नीचे स्तर पे हमारे कहने से या और किसी भी मार्केट विशेषज्ञ की सलाह से बाइंग की है, उसने मुनाफा वसूल कर लिया, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, लेकिन कुल मिला के जीरा और धनिया के फंडामेंटल मजबूत ही नजर आते हैं। जी अखिलेश जी,